कल के प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए हज दो इंडिया परिवार को सहयोग किया और सभी साथियों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आने वाले समय में हम लोग नरेंद्र मोदी के कान में जो है इतना तेल डाल देंगे कि वो जो है इंसाफ की कोठी के लिए काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा और पूरे देश में हम लोग आंदोलन चलाएंगे कि इंसाफ की कोठी वो दे। अगर उन्होंने कहीं छुपा के रखी है तो वो जो उसको खाली करवाए। और मैं निवेदन करूंगा इस सरकार से, अगर वो बाबा साहब के अनुयायी कहते तो ये जो सारे बंगले जो है ये कब्जे की हुए इनको हटवा के ये भव्य स्मारक बनाया जाए। एक समय पहले भी 56 में भी ये साजिश हुई थी, बाबा साहब के पार्थिव शरीर को यहाँ से दिल्ली से एरोप्लेन में जो है महाराष्ट्र लेके जाएगा। हम लोग उस टाइम पर भले ही ना थे लेकिन हम लोग इस संघ रूपी षड्यंत्र की साजिशों को समझ रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं विजय बौद्ध जी जो दिल्ली से आते हैं। बाबा साहिब की अंतिम इच्छा घर घर पहुँचे बुद्ध की शिक्षा, ये कहना था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। और विजय बौद्ध जी पिछले 13 सालों से अपने संगठन हज दो इंडिया और उनके कार्यक्रम का नाम होता था वह सांस, वह अंतिम सांस जो इतिहास बन गई, इस टैगलाइन को लेकर वो पिछले 13 सालों से बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस की पूर्व संध्या को शाम 5 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक यहाँ कार्यक्रम किया करते थे और यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग उपस्थित हुआ करते थे। और आज भी हज़ारों की संख्या में पूरे भारत देश से, खास तौर से महाराष्ट्र से लोग यहाँ उपस्थित होते हैं यह जानकर कि यह भूमि उनके मसीहा की कर्म भूमि और उनकी अंतिम सांस यहाँ पर 26 अलीपुर रोड पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे इस बहुजन के, इस मसीहा के लिए। कल यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो बहुत अशोभनीय था और पुलिसकर्मियों ने और यहाँ के प्रशासन ने कार्यक्रम को नहीं करने दिया गया। आइए हम जानते हैं श्रीमान विजय बौद्ध जी से कि ऐसा क्या हुआ कि उनको कार्यक्रम नहीं करने दिया गया और बहुत सारे लोगों को मायूसी हासिल लगी जब वो शाम को यहाँ पर आए। बताएं विजय जी। एसएम न्यूज़ को सर्वप्रथम बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने संज्ञान लिया। एसएम न्यूज़ के सभी दर्शकों को और भीम सैनिकों को क्रांतिकारी जय भीम। प्रबुद्ध साथियों, हज दो इंडिया परिवार का जो गठन है वो 2005 में यहीं हुआ था। औपचारिक रूप से गठन 5 को हुआ था, अनौपचारिक रूप से 2004 में हम लोग यहाँ से काम कर रहे हैं। 2004 में हम लोगों को यहाँ पर जब ओम प्रकाश जिंदल जी का स्मारक बंगला बना हुआ था, वो हो सकता है किसी का फाइनेंसर हो, लेकिन हम लोगों को जब ये पता चला, हम लोग यहाँ पर आए बाबा साहब को संधानी के लिए, हमें रोका गया पहली बार भी जो है, तो हम लोग जो है दीवार कूद के हम लोग यहाँ पर आए और हम लोगों ने देखा भी ये जो है ये बाबा साहब का स्मारक नहीं है, ये बंगला है किसी का जो है। हम लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद जो है फलस्वरूप जो है हम लोगों ने पूर्ण रूप से 2005 में जो हम लोगों ने शुरू किया और 2006 का जो है, 2005 में हम लोग पंपलेट नहीं बनवा पाए थे, 2006 से हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने पहला पंपलेट जो है यहाँ पर उतारा जो है और लोगों को जागरूक किया कि भी मेरी जय जयकार करने की बजाय मेरे अधूरे कार्य को पूरा करें, ये बाबा साहब चाहते थे और हम लोगों ने उस पर काम शुरू किया। 2007 में देखें, आज अगर खामोश रहे कल सब कुछ लूट जाएगा। जिस तरह गुजारी जिंदगी, कोई गुजारे एक दिन, ये बाबा साहब के बारे में हम लोगों ने दिया। और ये 2008 का है आप देखेंगे, और इसके साथ साथ देखिए 2009, 2010, 2011, 2012 में हम जब माननीय शैलजा मैडम जब यहाँ पर जो सोशल जस्टिस मंत्री थी, जब हम लोगों ने भी उनको लेटर दिया था और वो आई भी थी जो है, देखिए ठीक है ना। ये 2012 का ये हमारा जो है पंपलेट जो है, और ये 2013 का, और 2014 में जब हमारा प्रोग्राम हो रहा था, माननीय मल्लिका अर्जुन खड़गे जी जो है इस प्रोग्राम के लिए जो है रिटर्न में नोट शीट लिखते हैं मंत्रालय को कि भी 2014 में जो है 24/4/2014 को जो है थावरचंद गहलोत जी लिखते हैं कि जो प्रोग्राम 5 दिसंबर की रात को हज दो इंडिया ऑर्गेनाइज करता है, उन्होंने संगठन को कहा कि जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है उसकी व्यवस्था जो है सारी जो है
सरकार वहन करेगी, लेकिन 2014 से लेकर 2019 तक जो है आज तक सोशल जस्टिस मंत्रालय में सूद लेने की तो बात छोड़ो, सोशल जस्टिस मंत्रालय में रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं जो है, समझे ना। सरकार की मानसिकता आप लोग देखिए, मैं आगे आगे आपको दिखाऊंगा। ये 2014 में हम लोगों ने जो है वो अंतिम सांस का जो है पंपलेट जो बनाया था ये 15 में बनाया, ठीक है। आप देखिए जो है सरकार की मानसिकता 2016 में देखिए, ठीक है, ये 2017 में देखिए, और ये 2018 में 17 में जो है माननीय थावरचंद गहलोत जी को हम लोग लेटर देते हैं और रिसीव करवाते हैं। देखिए मंत्रालय की रिसीविंग हमारे पास पैड है, ठीक है, उसके बावजूद भी ये 2018 का पंपलेट है हमारा जो है, जो यहाँ पर जो है 5 तारीख की रात को होता है प्रोग्राम में, ठीक है। 2018 में खुद माननीय थावरचंद गोलेज जी अपने सिग्नेचर करते हैं और पीए को जो है ना, ये देखिए PA2 अम्बेडकर, ठीक है ना, मंत्रालय को देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है, समझे ना। सरकार किस मानसिकता के साथ काम कर रही है हमें ये नहीं पता। अब जो विरोध जो हुआ उसका विरोध का सबसे बड़ा जो कारण है, मैं आपको बताने से पहले, हम लोगों ने थावरचंद गहलोत जी को यहाँ पर भी लेटर दिया है 2019 में, हम लोगों ने प्रोग्राम के लिए जो उनको कहा है कि भाई हम लोग पिछले गत वर्षों की बात ही, हम लोगों ने लिखा है 13 वर्षों की बात ही जो है इस बार भी हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, आप लोग आइए, आपका स्वागत है। लेकिन वो आने की बजाय जो है हमारा विरोध करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, हम लोगों ने इस बार जो है पिछले 13 सालों में जो समझा, सिरोही महाराज ने जो बंगला दिया था वो बंगला ये नहीं था, ये बहुत बड़ी जगह थी, इसके कम से कम 10 पार्ट किए गए हैं। ये 7 के जो बंगले हैं ये चारों तरफ जो आए हैं ये एक्रोचमेंट है, ये जानबूझ के एक्रोचमेंट किया गया है। ये जो जब हम लोगों ने जिंदल का बंगला था इसको छुड़वाने के लिए बरकस प्रयास किया, रात को बहुत सारे साथी 5 दिसंबर को यहाँ पर आते हैं और वो जो है 11:30 से 2:30 बजे के बीच में इसलिए आते हैं ताकि अपने मसीहा को समझ सकें, उनकी सांसों को आत्मसास कर सकें कि अगर बाबा साहब की चंद सांसें बच जाती तो बहुजन समाज के लिए कुछ और करते, मातृ शक्ति को कुछ और समझाते। लेकिन हम लोगों ने ये स्मारक तो बनवा लिया, लड़के जो है स्मारक बन भी गया, स्मारक के नक्शे में इन लोगों ने ये जो पिलर दिखाई देता है सम्राट अशोक स्तंभ जो है, ये पिलर सम्राट अशोक स्तंभ यहाँ का नहीं है, ये अशोक स्तंभ पीछे के दरवाजे पे है वहाँ पर लगना था, लेकिन साजिशन जो है ये यहाँ लगाया गया। क्योंकि 1 जनवरी 1818 में जब भीमा कोरे गाँव का युद्ध हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है 1 जनवरी को भीमा कोरे गाँव सल्यूट करने जाते थे, वो भीमा कोरे गांव का स्तंभ जो है यहाँ से गायब करवा दिया गया। देखिए मानसिकता जो है। फिर हम लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी मन की बात में कहते हैं कि भी हम लोग जो है पंच तीर्थ बनाया है, मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ नरेंद्र मोदी जी आपने पंच तीर्थ तो बनवाए, वो आपने नहीं बनवाए हैं, वो प्लानिंग थी पहले की विनय पॉल जी की, समझे ना, उससे पहले जो यहाँ के डायरेक्टर थे उन लोगों ने सारी प्लानिंग की थी, समझे। आपके हाथ में तो खीर बनी बनाई आई, आपने तो खाया है उस खीर को, अगर आप ऐसा ही बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ जो बाबा साहब की कोठी जो जिसको इंसाफ की कोठी थी, ठीक है ना, आप उसको बनाइए ना, हम लोग माने कि आप लोग काम कर रहे हैं, इंसाफ की कोठी पे काम कीजिए। आप लोग कहते हैं लंदन में बंगला लिया, लंदन में तो बाबा साहब का ऑलरेडी बंगला था, उसके लिए लड़ाई तो अम्बेडकरवादियों ने लड़ाई लड़ी है। अगर आपको करना है तो आप इंसाफ की कोठी के लिए कीजिए, अगर आपको करना है तो यहाँ पर भीमा कोरेगांव स्तंभ लगाइए, अगर आपको और भी ज़्यादा करना है तो दीक्षा भूमि पर जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी वो धम परिवर्तन किया था वहाँ पर 22 प्रतिज्ञाएं जो है अम्बेडकर भवन यहाँ राष्ट्रीय स्मारक में नहीं लगी, आप लगाइए ना 22 प्रतिज्ञाएं जो है। आप बाबा साहब के अपने आप को वारिस होने का झूठा ढोंग क्यों कर रहे हैं, आप सीधे कहिए ना, हम लोग बाबा साहब का मुखौटा पहन कर जो है RSS के एजेंडे पर हम लोग काम कर रहे हैं, समझे ना। RSS जो है रामदेव के मुंह से बुलवाती है, एक OBC रामदेव जो है जो हमारे ही समाज का भटका हुआ आदमी है, वो कहती है कि बाबा साहब अम्बेडकर और पेरियार के जो है वैचारिक जो पुत्र हैं वो वैचारिक आतंकवादी हैं। अगर RSS ये कहना चाहती कि हम लोग वैचारिक आतंकवादी है तो हम लोग गौरव से कहते हैं हमारा पिता आतंकवादी था, उसके पड़पोते आतंकवादी हैं और आने वाली संतानें भी वैचारिक आतंकवादी ही होंगी जो है,
ठीक है ना, और वैचारिक आतंकवादियों को आप लोग यहाँ पर घुसने से नहीं रोक सकते। आप लोगों ने कल रोक के देखा 5 दिसंबर को, इतने सैनिक आए, पूरे देश से भीम सैनिक आए, ये रोड भर गया। हमारे पास व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने व्यवस्था को चौपट कर दिया। हमारा टेंट, हमारा साउंड, जिसके पैसे हम लोगों ने एडवांस में दिए थे, आप तो पैसे नहीं देते उन प्रोग्रामों के। हम भीम सैनिक किसी से 5 रुपये, किसी से 10 रुपये, किसी से 100 रुपये इकट्ठे कर करके बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने आते हैं, और आपको तो वो भी जो है ना अच्छा नहीं लगता कि भाई ये लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हो। अगर आपकी चले तो आप यहाँ पर जो ना मोहन भागवत की फ़ोटो लगा दें। पहले नरेंद्र मोदी जी खुद लगवाना चाहते थे, हम लोगों ने विरोध किया, पंजाब केसरी में आया, उसकी कटिंग भी है हमारे पास जो है। और हम लोग पुरजोर अम्बेडकरवादियों से अपील करते हैं कि यहाँ पर भीमा कोरेगांव स्तंभ के लिए लड़ाई लड़ें, और अंदर जो जहाँ पर दीक्षा से हमारा जो दीक्षा स्थल है वहाँ पर जो 22 प्रतिज्ञाओं के लिए आंदोलन की लड़ाई लड़ें। आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, जो साथी आज सुन रहे हैं इस वीडियो को, या आज देख रहे हैं, या कल देख रहे हैं, या 6 महीने के बाद, या 1 साल के बाद जो है, वो उन साथियों से मेरा सभी से अनुरोध है कि 5 तारीख को शाम को 6 बजे सभी साथी यहाँ पर जो है अपने बीवी, बच्चे, यार, दोस्त सभी के साथ आएँ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 11:30 से 2:30 बजे के बीच में आखिरी सांस ली थी। हम लोग उसके बाबा साहब के अधूरे सपने को जानना चाहते हैं उसी समय पर, और 11:30 से 2:30 बजे के बीच में हम लोग यहाँ पर दीप प्रज्वलित करेंगे। विजय बोध रहे या ना रहे, हो सकता है विजय बोध को RSS या कांग्रेस मार दे और दूसरी पार्टियां मरवा दे, लेकिन हम लोगों ने इतना काम कर लिया है, नरेंद्र मोदी जी इतने बच्चे पैदा कर दिए हैं कि वो बाबा साहब की जय जयकार जोरदार नारों से लगाएंगे। और मैं साथियों से कहूंगा कि जोरदार नगा रहे, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, मरेंगे गुर की से, खींच लेंगे कुर्सी से, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, 1 2 3 4 1 2 3 4 धन्यवाद साथियों, SM न्यूज का बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने कल के प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए हंस दो इंडिया परिवार को सहयोग किया, और सभी साथियों को मैं धन्यवाद करता हूं। आने वाले समय में हम लोग नरेंद्र मोदी के कान में जो है इतना तेल डाल देंगे कि वो जो है इंसाफ की कोठी के लिए काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा, और पूरे देश में हम लोग आंदोलन चलाएंगे कि इंसाफ की कोठी वो दे। अगर उन्होंने कहीं छुपा के रखी है तो वो जो है उसको खाली करवाए, और मैं निवेदन करूंगा इस सरकार से, अगर वो बाबा साहब के अनुयायी कहते तो ये जो सारे बंगले जो है ये कब्जे की हुए, इनको हटवा के ये भव्य स्मारक बनाया जाए। एक समय पहले भी 56 में भी ये साजिश हुई थी, बाबा साहब के पार्थिव शरीर को यहाँ से दिल्ली से एरोप्लेन में जो है महाराष्ट्र लेके जाएगा। हम लोग उस टाइम पर भले ही ना थे, लेकिन हम लोग इस संघ रूपी षड्यंत्र की साजिशों को समझ रहे हैं। आप सभी साथियों को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, हमारी एकता जिंदाबाद, जय भीम साथियों। जो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।